ये नए मॉडल्स आए हैं सारे, इसमें इलेक्ट्रिक सिस्टम है और नीचे ये गैस सिस्टम है। मेरे पास 12 गेज भी है, 14 गेज भी है, 10 गेज भी है, हर गेज का गीजर है। खारे पानी पे भी चलेगा, मीठे पानी पे भी चलेगा। अगर ये 2 साल में गारंटी पीरियड में लीक हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम रिप्लेस कर देंगे आपको। डिलीवरी फ्री होगी, 35,000 के अंदर आपको सबसे बड़ा गीजर मिल जाएगा। अब सबसे लीस्ट प्राइस देंगे, कम से कम गीजर कितनी प्राइस में मिल जाएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं रॉयल गिल, आप देख रहे हैं हमारी वेब नाज़रीन। आज मैं मौजूद हूँ अब्दुल्ला हारून रोड पे और यहाँ पर एक शॉप है ब्रिशना इलेक्ट्रॉनिक्स, आज हम वहाँ मौजूद हैं और आज मैं आपको बताऊँगा कि गीज़र जो है वो ड्यूल गीज़र किस तरह काम करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक भी है और गैस पे भी है। यानी कि गैस तो आजकल आती नहीं है तो इलेक्ट्रिक पे भी चला सकते हैं आप, जब गैस है तो उसको गैस पे चला लें। तो ये गीज़र जो है बड़े काम के और बहुत ही पायदार है और इनकी प्राइस बहुत ज़बरदस्त है इनकी शॉप पे। तो आज हमारे साथ ब्रिशना इलेक्ट्रॉनिक के मालिक मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं इस गीज़र के बारे में। अस्सलाम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, कैसे हैं आप? सुनाइए, ठीक है? मैं ठीक ठाक। सर, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि गीज़र जो है सर्दियों में ज़्यादा बिकते हैं, गर्मियों में भी बिक जाते हैं? गर्मियों में सो बिकते हैं, लेकिन सर्दियों में तो आपको पता है सीज़न है तो बिके जा रहे हैं। तकरीबन वो सर्दियों में ही होती है, लेकिन ये आइटम ऐसा है पूरा साल बिकता है, पूरा साल चल जाता है। चल जाता है। अच्छा, अभी इसमें बहुत सारी वैरायटी भी मुझे नज़र आ रही है, बहुत सारी कंपनियां भी नज़र आ रही हैं। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ये जो गीज़र है ये गैस और इलेक्ट्रिक दोनों पर है? ये नए मॉडल्स आए हैं सारे, इस पर ये इसमें इलेक्ट्रिक सिस्टम है और नीचे ये गैस सिस्टम है। ठीक है, इसको कहते हैं ड्यूल गीज़र। ठीक है, जिसकी वजह असल में आजकल लोग जो गैस के गीज़र से परेशान है ना, गैस आ नहीं रही है, तो लोग ये हटा के अभी ये गीज़र लगा रहे हैं। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या है? मतलब गैस आपने ऑन कर दी एक दफ़ा, मतलब चलेगा कैसे? घर में गैस ऑन कर दी, अब पीछे से गैस बंद हो गई, तो आप रखेंगे इसको कंटिन्यू चलता रहेगा वो, मतलब आपने एक दफ़ा गैस, जैसे ही गैस बंद होगी तो ये ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक ऑन हो जाएगा। ऑटोमेटिक हो जाएगा? जी हाँ। ठीक है, उसके बाद ये कि इलेक्ट्रिक पे आपका जैसे आप यूज़ करेंगे रात भर, आजकल रात में गैस जा रही है, आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये मुझे बताएंगे कि ये जो इस वक्त नेशनल का यहाँ पे पड़ा हुआ है ये कितने इसकी वो है कैपेसिटी है, कितनी कितने वॉशरूम कवर कर सकते हैं? ये 30 गैलन है और 4 वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं हम इसमें एक टाइम पे, एट ए टाइम। और ये पानी कितनी देर में गर्म कर सकते हैं? 30 गैलन फर्स्ट टाइम में 15 मिनट लेगा, उसके बाद 24 आवर आपको गर्म मिलेगा पानी। पहले में इसने कितने 15 मिनट 15 मिनट लिया, तो 15 मिनट गैस पे लेगा बिजली पे? दोनों पे। अच्छा, गैस फॉर एग्जांपल जैसे गैस रात में गई, इसको बंद करना भूल गए, सुबह गैस आ गई तो फिर लीक होती रहेगी? ऑन करना पड़ेगी आपको सुबह, सुबह ऑन करनी, ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। अगर गैस नहीं होगी ना तो फिर आपको सुबह आके दोबारा जैसी गैस होगी दोबारा ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक ही कंपनी है नेशनल का? इसमें मिल रहे हैं हमारे पास, पाक वालों का है, हमारे पास जनरल वालों का है, बहुत सारे ब्रांड है, लेकिन असल में गीज़र में ब्रांड नहीं होते, गेजेस होते हैं। ठीक है, मेरे पास 12 गेज भी है, 14 गेज भी है, 10 गेज भी है, हर गेज का गीज़र है। खारे पानी पे भी चलेगा, मीठे पानी पे भी चलेगा, हर तरह का। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जैसे ये अब गीज़र तो आप घर में लगा लिया, अब फॉर एग्जांपल एक घर में वॉशरूम ही एक है या 2 वॉशरूम है, साइज भी चलते हैं, तो उसके लिए क्या कौन सा साइज़? इसमें छोटा साइज़ ही चलता है, 20 गैलन। ये हम दिखाते हैं, 20 गैलन का भी आपको साइज़ दिखा देते, ज़बरदस्त। अच्छा, ये भी ड्यूल है? ये ड्यूल में भी आता है और सादे में भी, दोनों है हमारे पास। ये दोनों है? ये सादा है, ये सादा वाला है, लेकिन इसमें इस साइज में ड्यूल में आप लेंगे तो सिर्फ खाली यहाँ पे एलिमेंट लगा होगा, बस बॉक्स लगा होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 8x10 गेज लिखा हुआ है, ये प्रेशर टाइप गीजर कहलाता है। ठीक है, जो बड़े बड़े बैंगलोर में पंप लगे हुए होते हैं उन पर ये आम गीजर जो होते हैं ना नॉर्मली फट जाते हैं। अच्छा, ये नहीं फटता इसलिए कि ये प्रेशर पे बना हुआ है, ये जो मोटर लगी होती है ताकि पानी तेजी से आए तो ये फटेगा नहीं। अच्छा, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है फॉर प्रेशर पंप 2 ईयर्स गारंटी, फॉर सॉल्टी वाटर 100% इम्पोर्टेड गैल्वेनाइज्ड शीट एंड इंसुलेटर, तो ये सारी चीज़ें इसमें लगी और ये अच्छी क्वालिटी लग रहा है। मतलब मुझे बताइए ये शीट जो है, अब कराची की में तो नमी भी है, ये जंग पकड़ जाती है, ख़राब हो जाता है, तो ये शीट का क्या है? ये रिप्लेसमेंट है 2 ईयर की, इसमें अगर ये 2 साल में गारंटी पीरियड में लीक हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम रिप्लेस कर देंगे आपको। अच्छा, इसके अंदर कोई ऐसा कोई मीटर है जिससे पानी को एक लेवल पे सेट किया जा सके कि भाई ये पानी? थर्मोस्टेट लगे हुए हैं इनमें। कहाँ पे लगे, दिखाइए? नीचे थर्मोस्टेट है बॉक्स के अंदर इसमें। अच्छा, ये बॉक्स अगर हम खोलें तो इसके अंदर थर्मोस्टेट है, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हाथ से, आपके हाथ में है थर्मोस्टेट। अगर ज़्यादा वेरी हॉट चाहिए वेरी हॉट कर लें, वार्म पे चाहिए वार्म पे कर लें, सब आपके हाथ में। अच्छा, अब तो ये बात हो जाती है, अब इसकी प्राइस की बात आ जाती है, तो सबसे पहले आप मुझे बताएं, ये सबसे बड़ा यही है?
सबसे बड़ा साइज यही होता है स्टैंडर्ड 30 गैलन का, चार वॉशरूम चलाता है ना ये। और ये कितने कितने का ये गेज के ऊपर है, 27,000 से लेके 45,000 तक है। तो जो 27,000 है वो कितने गेज का होता है? वो 14 गेज का होता है ये लगा हुआ। 14 गेज ये वाला, ये वाला गेज मतलब शीट की बात करें, अंदर की शीट हल्की होती है इसकी। ये मीठे पानी पे चलता है, मीठे पानी पे चलता है। और जो ये वाला है इसकी क्या प्राइस है? जिसमें पे भी चल जाएगा और पंप पे भी चल जाएगा। इसकी क्या प्राइस है? ये 35,000 का। ये 35,000 रुपये का मिलेगा। और इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह फ्री देते हैं क्या? नहीं, इसमें हम प्लम्बर आपको प्रोवाइड कर देंगे, डिलीवरी फ्री देते हैं हम लोग। डिलीवरी फ्री देते हैं, डिलीवरी फ्री होगी। 35,000 के अंदर आपको सबसे बड़ा गीज़र मिल जाएगा जो चार वॉशरूम चलाएगा। तो चार वॉशरूम ज़्यादातर बैंगलोर में ही होते हैं, फ्लैट्स में तो आजकल 3 वॉशरूम तक होते हैं, लेकिन आजकल बहुत बड़े बड़े अमूमन फ्लैटों में घरों में सब यही लोग यही साइज़ चलता है, यही लगाते हैं। वो वाला साइज़ लोग मजबूरी में लगाते हैं क्या जगह नहीं है। ठीक है, अब ये तो 35,000 आपने बता दिया सबसे अच्छे वाले के। अब सबसे लीस्ट प्राइस बताएं कि कम से कम गीज़र कितनी प्राइस में मिलेगा? ये पड़ेगा 22,000 का गैस का, सबसे सस्ता गैस का। नहीं, मैं ड्यूल की बात कर रहा हूँ। ड्यूल में 24,000 का कम से कम। तो ब्रिश्ना इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आपको 24,000 रुपये का मिलेगा, और सबसे जो बड़ा वाला है वो आपको मिलेगा 35,000 रुपये का, या 45,000 तक भी है, वो गेज पर डिपेंड करता है। तो जितनी आपको ज़रूरत है वो आप यहाँ पर आके ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारी web.com को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं हूँ राहिल गिल, खुदा हाफिज़।